सभी को नमस्कार और इंटरव्यू के लिए चयनित सभी शिक्षक साथियों को हार्दिक बधाई। आप लोगों ने अपना इंटरव्यू लेटर केवीएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तो वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लीजिए। इंटरव्यू के लिए आपकी लास्ट टाइम प्रिपरेशन चल रही होगी और उसके लिए मैंने एक कुछ से आपके जो ज़रूरी काम है उसकी एक चेकलिस्ट बनाई है, उस पर हम आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं और आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स का एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, फिर भी हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, इंटरव्यू वेन्यू की टाइमिंग के बारे में बात करेंगे, ड्रेस कोड के बारे में बात करेंगे और मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आपकी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वेन्यू कैसे बिहेव करना है, इनसाइड द इंटरव्यू रूम कैसे बिहेव करना है, और जो आपका बोर्ड प्रेजेंटेशन होगा या टीचिंग डेमो होगा उस पर किन बातों का ध्यान रखना है, आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू बोर्ड कैसे आप क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, और फाइनली जब आप इंटरव्यू बोर्ड से आप अपना इंटरव्यू पूरा करके और जब रूम को लीव करेंगे तो किस बात का ध्यान रखना है, ये कुछ टॉपिक्स हैं इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए क्लास 10 ऑनवर्ड आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लास 10 है, क्लास 12 BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, ह्यूमैनिटीज हैं तो BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, आपका CTET का सर्टिफिकेट है, BEd का सर्टिफिकेट है और जितने भी आपकी एलिजिबिलिटी के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपका EWO सर्टिफिकेट है, आपका OBC कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST PH कैटेगरी का जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके हैं उनकी एक फाइल बना लिया और सभी को एक फाइल के अंदर रख लें। उसके साथ एक KVS ने अपनी वेबसाइट के ऊपर OBS सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया हुआ है तो वो परफॉर्मा डाउनलोड करके उसको फिल कर लें और उसको आप फिल करवा के और आप उसके ऊपर साइन वगैरह जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है उसका साइन करवा के उसके अपने पास रख लें। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी आप दो सेट करवा लें फोटोकॉपी का, एक सेल्फ अटेस्टेड करवा लें और दूसरा किसी स्कूल प्रिंसिपल से या किसी गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लें। अब यहाँ पे कई साथी बोल रहे हैं कि सर इंटरव्यू लेटर में तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो देखिए आपको एक बात यहाँ बता दूं कि कई बार क्या होता है कि वो डिमांड कर लेते हैं। जैसे मैं मेरा ही केस लूँ तो मेरे केस में ऐसा हुआ था, जब मैं इंटरव्यू के ऊपर गया था तो इंटरव्यू लेटर में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने डिमांड कर ली थी कि हमें एक सेट ऐसा चाहिए। तो आप अपनी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए और ऑन द टाइम आपको किसी प्रकार की भाग दौड़ ना हो तो उसे बचने के लिए आप एक सेट अटेस्ट करवा के अपने पास रख लें सभी डॉक्यूमेंट्स का। और अगर कोई डॉक्यूमेंट मैं बताना भूल गया हूँ तो आप देख लीजिए कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो आपने अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिए थे और जो फॉर्म में आपने फिल किए थे वो सारे के सारे आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें। इसके साथ कई साथियों का एक क्वेश्चन भी है कि जब हमने फॉर्म फिल किया था तो हमसे कुछ मिस्टेक हो गई थी, हमने नंबर गलत भर दिए, पासिंग ईयर गलत भर दी, या फादर की और मदर की जो नेम की स्पेलिंग है उसमें हमने मिस्टेक कर दी, तो देखिए उसके बारे में फिलहाल आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इसका समाधान आपका इंटरव्यू बोर्ड ही करेगा और इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रस्तुत होने से पहले जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे तो वहाँ पे जो टीम बैठी होगी वही आपको इसका समाधान बताएगी। मोस्टली केसेस में ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका समाधान हो जाता है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप चिंता करेंगे तो उसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला, कुछ डिप्रेशन में ही जाएंगे, कॉन्फिडेंस लूज होगा तो आपकी परफॉर्मेंस कमज़ोर होने की संभावना है। तो इस बात की चिंता ना करें, जो गलती है वो है, अभी आप नहीं सुधार सकते, वो तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी है वही आपको इसका समाधान बताएगी, तो उसकी चिंता ना करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वेन्यू टाइमिंग। तो आपका जो इंटरव्यू वेन्यू है उसके ऊपर आप टाइम से पहुंच जाइए। अगर आपका होम स्टेट में नहीं है, दूसरी जगह पे है, या ऐसा है कि आप सेम डे नहीं जा सकते तो आप कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाएँ, होटल का रूम वगैरह ले लीजिए, आराम से आराम कीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर आप इंटरव्यू वेन्यू के ऊपर टाइम से पहले ही पहुँच जाइए ताकि आप आराम से जगह का मुआयना कर लें और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लें। उसके बाद हम ड्रेस कोड पे आते हैं। ड्रेस कोड पे भी कई वीडियोज़ में हम पहले कर चुके हैं डिस्कशन, और ड्रेस है आपकी थोड़ी ही ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सादगी झलके, साफ सफाई हो, एक डिसेंट टाइप की आपकी ड्रेस होनी चाहिए, अच्छी ड्रेस होनी चाहिए, फॉर्मल कपड़े आप प्रीफर कीजिए। वहाँ पे फीमेल हैं तो वो सलवार सूट पहन सकती हैं, साड़ी पहन सकती हैं, और मेल पेंट शर्ट जो कलर है आपको अपनी मर्जी से देख लीजिए, उसके बारे में ज़्यादा
चर्चा का विषय नहीं है ये तो, क्योंकि ड्रेस कोड आप ध्यान दीजिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप इंटरव्यू के लिए आए, प्रोफेशनल लगने चाहिए आप अपने ड्रेस कोड से। फिर देखिए ये जो टाइम है ये आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है, और इस दौरान आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का विशेष ख्याल रखिए, ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अनावश्यक चिंता अगर आप करेंगे, देखिए अनावश्यक चिंता से मिलने वाला तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस वीक होने का पूरा डर रहेगा, इसलिए बिल्कुल फ्रेश रहिए, मज़े से रहिए, जैसे आप नेचुरल हैं वैसे के वैसे नेचुरल बने रहिए। हाँ कुछ आप बुक पढ़ना चाहते हो, कुछ और जो तैयारी करना चाहते हो वो आप आराम से कर लीजिए, और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि इन दिनों में वायरल बहुत चल रहा है, ऐसा ना हो कि इंटरव्यू से पहले आप बीमार हो जाएं, आपकी करी कराई मेहनत के ऊपर पानी फिर जाए, तो थोड़े से सतर्क रहें अपनी सेहत को लेकर। फिर अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि पूरा खेल यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस का ही होने वाला है। आप अपना जो टैलेंट था वो रिटन एग्जाम में दिखा चुके हैं, और इंटरव्यू बोर्ड का अब पूरा फोकस रहेगा आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने में, और आपकी पर्सनैलिटी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही शो होगी। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो इम्पैक्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं जाएगा। जब आप इंटरव्यू वेन्यू के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग बिहेवियर के लोग मिलेंगे, तो पर्सनली मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा किसी से बात मत कीजिए, बात करें तो नॉर्मली बात करें, ये बात मत करें कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने क्या पढ़ा, इससे पहले आपने कोई इंटरव्यू दिया था क्या, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये वो, इस टाइप की बात मत करें। बात आप नॉर्मली कीजिए कि आप इंट्रोडक्शन से कहाँ से आए हैं, क्या आपका बैकग्राउंड, ऐसी आप बातें कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब लोग इंटरव्यू दे के बाहर निकल के आते हैं तो उनसे ये पूछने का प्रयास ना करें कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही आपसे पूछा जाएगा। और अगर आप ज़्यादा उनसे बातचीत में इन्वॉल्व होंगे तो उसका डर ये है कि आप में ना तो एक तनाव की स्थिति आ जाएगी। तो पर्सनली मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप तनाव से अगर बचना चाहते हैं तो जनरल हल्की फुल्की बातचीत वहाँ पे लोगों से कीजिए, ये मत कीजिए कि उस इंटरव्यू में क्या पूछा, उसमें क्या पूछा, ठीक है। और अगर आप ऐसी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं तो ऑब्वियसली बात आप कर लीजिए, इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला। फिर जब आप इंटरव्यू रूम के अंदर जाएंगे, आपकी एंट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उससे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक बायोडाटा का जो परफॉर्मा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो अपने बायोडाटा को अच्छे से भर लें। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि 5 copies बायोडाटा की लगेगी, और 5 copies हैं तो सभी कॉपीज को आप हाथ से ही लिखना, कंप्यूटर प्रिंट मत करना। और सभी को जब आप हाथ से लिखोगे तो 5 की 5 copies हैं, क्योंकि इंटरव्यू पैनल में लगभग 5 मेंबर ही होंगे और केवीएस ने 5 copies के लिए ही बोला है, तो वो 5 copies आप हैं, 5 की 5 copies आप हाथ से लिखना। ऐसा नहीं करना है कि 1 copy को लिखेंगे और बाकी फोटोकॉपी निकलवा लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू पैनल में 5 लोग होंगे, 1 आदमी के हाथ में आपका लिखा हुआ होगा और 4 के हाथ में आप फोटोस्टेट देंगे, तो बुरा फर्क पड़ता है उससे। जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं तो आराम से उनको विश कीजिए, और जब आपको बैठने के लिए बोला जाए तो आराम से आप बैठ जाइए, अपने आप को बिल्कुल शांत बनाए रखिए, किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। हाँ, अपना जो सिटिंग पोस्चर है उसके ऊपर आप विशेष ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि, क्योंकि वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता है तो वो आपकी हरकतों को नोटिस करता है, तो बैठने का जो गेस्चर होता है आराम से चेयर पे बैठने का, उसे लगे कि हाँ आप अटेंटिव हो, ऐसा नहीं हो कि आप लेजीनेस फील हो या आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि सिटिंग गेस्चर से पता लग जाता है कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो। तो आपका जो बैठने का स्टाइल है वो इस टाइप से हो कि सामने वालों को लगे कि हाँ आप एनर्जेटिक हो और किसी भी टाइप के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए रेडी हो। फिर जब बोर्ड प्रेजेंटेशन और टीचिंग डेमो की बात आएगी तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें। जब आप बोर्ड पे जाएंगे तो सबसे पहले आप डेट लिख देंगे, और एक साइड में आप ये लिख देंगे टोटल स्टूडेंट, टोटल एबसेंट और टोटल प्रेजेंट, और आगे नंबर मत लिखना क्योंकि आपको नंबर पता होगा नहीं। फिर आप ऊपर टॉप में अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। इंटरव्यू का जो पैनल ने आपको डेमो के लिए टॉपिक दिया है, आप उस टॉपिक का नाम जाते ही मत लिखना, थोड़ी सी उसकी भूमिका बनाना, और भूमिका बनाने में ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है, थोड़ा सा बेसिक उसका इंट्रोडक्शन वगैरह लगा के आपको ये लगे कि हाँ मैं मेरे पॉइंट को वहाँ तक ले आया हूँ, तो वहाँ पे टॉपिक का नाम लिख के और पढ़ाना शुरू कर दें। अब क्या पढ़ाएंगे, डेमो का टॉपिक क्या होगा, दूसरों से मत पूछिए, आप ये देखिए किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आप 4-5 topics पढ़ लीजिए, और अगर इंटरव्यू पैनल वाला आपसे पूछता है कि फेवरेट टॉपिक्स का नाम बताओ, तो जैसे आपने 5 topics पढ़े हैं तो 5 के 5 topics का नाम उसको मत बोलिए, 3 या 4 topics का नाम बताइए, 1-2 topics अपने पास रिजर्व में रख लीजिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार इंटरव्यू पैनल में ऐसे कैंडिडेट के साथ हुआ था,
इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि बताइए आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, तो उसने पांच टॉपिक का नाम बताया, चार या पांच ऐसे कुछ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन चार पांच उसने बताए थे, मेरी बात हुई कैंडिडेट से तो उसने मुझे बताया। तो इंटरव्यू पर बोर्ड ने उनको ये बोला कि ठीक है ये पांच टॉपिक है ना, इनको तो छोड़िए आप, और इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ा दीजिए। तो अगर कहीं ऐसा ना हो कि इंटरव्यू बोर्ड आपके साथ भी ऐसा ही कर दे, तो जैसे आपने पांच टॉपिक तैयार करके रखे हुए हैं, तो आप इंटरव्यू बोर्ड को बोलिए कि मैंने, मेरे ये तीन टॉपिक फेवरेट है, मैं इनको पढ़ा दूंगा। अगर उनमें से आपको दे देता है तो बहुत अच्छी बात, और अगर बोलता है कि इनको छोड़ के कुछ भी पढ़ाओ, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर किए हुए दो टॉपिक आपके पास रिजर्व में बचे हुए, उनमें से आप पढ़ा दीजिए। ठीक है, टीचिंग के दौरान एक बात का जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब आप टीचिंग करते हो किसी भी टॉपिक की, तो उसको एक्सप्लेन करने में आप मैक्सिमम एग्जाम्पल्स की मदद लीजिए। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स की आप मदद लेंगे, आपकी टीचिंग उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होगी, और वहां से आपकी टीचिंग स्किल का पता चलेगा, क्योंकि डेमो के अंदर वो आपकी टीचिंग स्किल ही देखना चाहते हैं। और एग्जाम्पल ऐसे हों जो बच्चे की डे टू डे लाइफ के हों, जब बच्चे ने वो एग्जाम्पल एक्सपीरियंस किए हों, ऐसे एग्जाम्पल आप उठाइए, और उनको लेते हुए एग्जाम्पल्स को आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर जब इंटरव्यू वाले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ऑनेस्ट बने रहें, ओवर एक्टिंग करने का प्रयास ना करें, कहीं बोलते कि आपको ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, नेचुरल है, नेचुरली जवाब देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर आप ज्यादा ओवर एक्टिंग करोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि वहां पे साइकोलॉजिस्ट होता है, उसको सब कुछ पता होता है। तो नेचुरली जवाब दें, शांति से जवाब दें। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो एक बार सोचिए, आपको लगता है कि मुझे, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं इस आंसर में, तो आप आराम से बोल दीजिए कि सर सॉरी, मुझे इसका आंसर नहीं पता है प्रेजेंटली। सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कहीं आप ये सोचो कि मेरा गलत इफेक्ट जाएगा, गलत इफेक्ट अगर आप गलत आंसर दोगे तो ज्यादा जाएगा। अगर आप गलती स्वीकार कर लेंगे कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, अगले क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आराम से इंटरव्यू पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब आप इंटरव्यू रूम को छोड़ेंगे, तो फिर से उनको विश कीजिए, और वहां पे एक बात उनको जरूर बोलिए कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड से विदाई लेते हैं, तो उनकी बोलिए कि सर आई होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, ये बात बोलेंगे तो थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, वो भी सोचेंगे कि हाँ भाई, हमें इसको अच्छा रिजल्ट देना है। ये कुछ बातें हैं, इन बातों का आप ध्यान रखिए। बाकी आपने इंटरव्यू की तैयारी तो बहुत अच्छी कर रखी होगी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।